नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दारोगा मेंस 2022 के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये साथियों केबीसी नैनो पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो देखते हैं साथियों आज के प्रमुख प्रश्नों को। साथियों, आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जो है टाइगर मच्छरों के द्वारा संचारित नहीं होता है। तो साथियों, टाइगर मच्छरों के द्वारा जो संचालित नहीं होता है वो रोग है जापानी इंसेफ्लाइटिस, क्योंकि ये क्विलैक्स परिवार के मच्छर के द्वारा जो है होता है। बाकी डेंगू, पित्त ज्वर और चिकनगुनिया, ये सारे के सारे जो हैं टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। तो साथियों, अब जो रेडियो टेलीविज़न जो है संचार विभिन्न चीज़ों को जो है पृथ्वी से अवलोकित करते हैं, तो साथियों ये आयन मंडल से होकर जो है परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौट जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अस्कर्वी रोग के इलाज के उपयोगी है। तो साथियों, अस्कर्वी जो है रोग वह विटामिन सी के कमी से होता है, तो विटामिन सी का भरपूर स्रोत जो है आंवला है। अगला सवाल देखिए, एनोस्मिया किसे कहते हैं। तो साथियों, एनोस्मिया जो रोग कहते हैं तो ये होते हैं साथियों घ्राण संवेदना की कमी, अर्थात सूंघने की शक्ति जो है कम हो जाना, सूंघने की शक्ति कम हो जाना अर्थात घ्राण संवेदना की कमी। अगला सवाल देखें, जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो साथियों, जीनेटिक्स जो है वो अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। अगला सवाल देखें, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है। तो साथियों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और विभव विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और प्रतिरोध का ओम होता है। अगला सवाल देखें, यदि हम दिए गए बल क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो साथियों दाब जो है क्या होगा। तो दाब जो है कम हो जाएगा, अगर हम बल बढ़ाते हैं तो दाब जो है कम हो जाएगा, क्योंकि बल अगर इतना पर लगाते हैं तो दाब इसी जगह लग रहा है, अगर बल का क्षेत्र बढ़ा दिए तो दाब साथियों विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाएगा, तो दाब कम हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सूक्ष्मतम पदार्थ जिसे प्रकाश या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है तो किस कोटि का होता है। तो साथियों, वो माइक्रोमीटर कोटि का होता है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन एक कवकी रोग है। तो साथियों, दाद, खाद, खुजली, ये सब जो है कवक द्वारा होता है। अगला सवाल देखें, डीजल का निष्कर्ष यानी एक्सट्रैक्शन, तो साथियों ये होता है जमीन से डीजल का निष्कर्ष। अगला सवाल देखें, जर्मन सिल्वर में क्या होता है। साथियों, CuZnNi, कॉपर, जस्ता और निकेल होता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है। तो साथियों, वोटिंग में जो है स्याही प्रयोग होता है जो नाखूनों पर लगाया जाता है मतदान के समय, तो होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अगला सवाल देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है साथियों CaSO4 2 और ½H2O। अगर इसी में साथियों 2H2O लगा देंगे तो वो हो जाएगा जिप्सम। इसी को गर्म करके जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला सवाल देखें, रसोई गैस साथियों LPG जो है मुख्यतः वो मिथेन का जो है घटक होता है, जिनमें आप जो है LPG में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में साथियों ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण रहता है। अगला सवाल है, कोलेकैल्सिफेरॉल ये रासायनिक नाम है साथियों विटामिन डी का, और विटामिन B1 का थायमिन हो गया साथियों, विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम एस्कर्बी एसिड। अगला सवाल देखें, खाने का जो है नमक ये किससे बनता है। तो साथियों, खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, क्योंकि मजबूत अम्ल है HCl और मजबूत क्षार है साथियों NaOH। तो साथियों, Na और इधर से Cl जो है मिश्रण होकर मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार बन जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों, देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। संथाल विद्रोह 1855-56 में, ये तो सिंधु कानू, ये तो सत्य है। कोल विद्रोह 1831 में साथियों छोटा नागपुर के पठार में बुद्धो भगत, ये भी सत्य है। खांसी विद्रोह 1829, ये भी सत्य है। अहोम विद्रोह साथियों 1828 ईस्वी में हुआ था, तो ये गोमधर कुंवर के द्वारा हुआ था। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन होगा आपका। अगला सवाल देखें,
निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों देखते हैं, देवगिरी से 1857 के विद्रोह किया था सुरेंद्र शाही, ये सत्य है। गंजाम से राधाकृष्ण दंडसेना, ये भी सत्य है। और कश्मीर से गुलाब सिंह, ये भी सत्य है। लखनऊ से साथियों लियाकत अली नहीं किया था, बेगम हजरत महल किया था लखनऊ से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, जबकि लियाकत अली साथियों ये अलाहाबाद से किया था। तो ऑप्शन डी जो है मेरा मिसमैच है। अगला सवाल देखें, निम्नांकित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों से 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो यह है कन्हेरी की गुफा, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई? तो साथियों बलिया में और मिदनापुर में जो है जातीय सरकार की स्थापना की गई थी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला सवाल देखें, भारतीय गौरव अर्थात भारतीय गौरव यानी कि भारतीय यश का जो है अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो साथियों यह था हेमचंद्र अर्थात हेमू के लिए। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार कहता है राज्य का सातवां जो है अंग कौन सा है? तो ये साथियों सातवां अंग है मित्र। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि 1882 ईस्वी में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की नींव डाला था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो ये किया था साथियों नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, कौन सा सूफी संत साथियों महबूब ए इलाही कहा जाता है अर्थात ईश्वर का प्रेमी? तो ये सूफी संत जो है ये है निजामुद्दीन औलिया, जिन्हें महबूब ए इलाही कहा जाता है, और इन्हीं का शिष्य था अमीर खुसरो। अगला सवाल देखें, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था साथियों कोलकाता अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का 1906 में, और ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये हैं साथियों सुश्रुत। अगला सवाल देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो लौटा दिया था साथियों त्याग किया था, तो वह था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसी के कारण जो है लौटा दिया था। ये अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पूर्णिमा के दिन। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये 1917 बनी थी साथियों कोलकाता में, और ये थी एनी बेसेंट, 1917 कोलकाता एनी बेसेंट। और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला बनी थी 1925 कानपुर। अगला सवाल देखें, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में वो दावा किया था? तो ये साथियों सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 50% अर्थात 1/2 जो है भाग ये राजस्व के रूप में वसूला करता था। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित है? तो साथियों जलियांवाला जो है नरसंहार हुआ था ये रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जो है वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था, जो काला कानून जिसे कहा जाता था 19 मार्च 1919 को जो है लाया गया था। अगला सवाल देखें, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को साथियों कहा जाता था गोपुरम। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? तो साथियों अंग्रेज़ों ने सिंध को 1843 में मिलाया था, उसके बाद अवध को जो साथियों 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर लगाया था, सतारा को 1848 में, सर्वप्रथम सतारा को डलहौजी के द्वारा शिकार किया गया, जबकि ग्वालियर को नहीं किया गया था। अगला सवाल देखें, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, और एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई? तो साथियों असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 तक चला था, और इसकी असफलता के बाद जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 ईस्वी को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कर लिया। अगला सवाल देखें, गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया? तो साथियों हून का आक्रमण जो है स्कंद गुप्त के समय हुआ था, और स्कंद गुप्त ने ही
हूनों को पराजित किया था, और यह जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख जो कि स्कंदगुप्त से संबंधित है। अगला सवाल देखें, वह मुगल सम्राट जिसका दो बार राज्याभिषेक हुआ, तो यह था साथियों औरंगजेब। यह था औरंगजेब, जबकि दो बार जो है गद्दी पर आया था तो वह था हुमायूं, लेकिन राज्याभिषेक करने वाले दो बार थे औरंगजेब। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो साथियों वनस्पति बाग जो है उदाहरण नहीं है स्ववासन संरक्षण का, जबकि जयमंडल आगार राष्ट्रीय उद्यान और पवित्र उपवन है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सड़कों की लंबाई में अर्थात पक्की सड़क रहे या फिर सड़कों की लंबाई की बात रहे, तो प्रथम स्थान पर जो है महाराष्ट्र ही आता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र का उदाहरण है? तो आय में विषमता की जो है पता लॉरेंज वक्र के द्वारा लगाया जाता है, तो आय में विषमता की पता। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्रा दिया गया है और एक तरफ साथियों राज्य है, तो शिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश सत्य है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश ये भी सत्य है, नाथुला दर्रा साथियों मेघालय नहीं होगा, यहाँ पर सिक्किम होगा, सिक्किम में है नाथुला जिलेपला जो कि जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, ये तो सत्य है, तो ऑप्शन सी होगा मेरा राइट आंसर। अगला सवाल साथियों, एक तरफ जो है क्षेत्र है और एक तरफ जो है कृषि का प्रकार है, तो पश्चिमी घास में पश्चिमी घाट में जो खेती होता है उन्हें कहा जाता है कुमारी, उसके बाद दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो खेती होता है उसको कहा जाता है बालतरे, और उत्तरी पूर्वी भारत में जो खेती होती है उसे झूम कहा जाता है, और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में जो खेती होती है वो दहिया कहा जाता है, यानी खेती के प्रकार का इस प्रकार मैचिंग किया हुआ है। पश्चिमी घाट में कुमारी और दक्षिणी पूर्व राजस्थान में बालतरे, उत्तर पूर्वी भारत में उसे खेती के प्रकार को झूम, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दाहिया। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो वह है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देखें, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों पश्चिमी घाट के जो है उत्तरी भाग के मैदान को बात रहेगा तो हो जाएगा कोंकण तट, जो कि महाराष्ट्र से जो है साथियों गुजरात से गोवा तक जो है फैला हुआ है, उसके बाद साथियों उत्तरी भाग कोंकण और दक्षिणी भाग रहेगा तो हो जाएगा मालाबार तट। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ साथियों नदियों है, एक तरफ जो है बांध का नाम है, तो ग्रैंड कुलिबान कोलंबिया नदी ये तो सही है, हूबर बांध साथियों ये जो है हूबर बांध टेनेसी नहीं होगा, ये होगा कोलोरेडो नदी, हूबर बांध जो है कोलोरेडो नदी पर है, तो यही मेरा गलत था, जबकि नुरेक नदी बक्स नदी पर है नुरेक बांध, और कोहरा यानी कि कबोरा जो है बांध ये जम्बेजी नदी, ये भी सत्य है। अगला सवाल देखें, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो यह है साथियों उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो साथियों ये कनाडा की जो है समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। अगला सवाल देखें साथियों, एक तरफ जो है क्रांति दिया गया है और एक तरफ जो है इसका क्षेत्र दिया गया है, तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए हरित क्रांति लाया गया था, और दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति, और मत्स्य पालन में नील क्रांति, और उर्वरक में भूरी क्रांति। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम जो है भारत में नहीं है? तो साथियों रावी ब्यास चिनाब नदियों का उद्गम भारत में ही है, जबकि सतलज नदी का जो है उद्गम स्थल मानसरोवर झील में है, तिब्बत के मानसरोवर झील में। अगला सवाल देखें, एक तरफ साथियों खनन क्षेत्र है, एक तरफ जो है खनिज का नाम है, तो इस प्रकार से जो है गुरु महिसानी में साथियों लोह अयस्क होता है, और तलचर में साथियों कोयला होता है, जादूगोड़ा में यूरेनियम होता है, और जावार में जो है सीसा होता है। महिसानी में लोह अयस्क, तलचर में कोयला, और जादूगोड़ा में यूरेनियम, जावार में सीसा। अगला सवाल देखिए साथियों, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो है साथियों जल विद्युत। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिप्त घाटी से होकर बहती है? तो साथियों नर्मदा ताप्ती नदी जो है माही साबरमती ये रिप्त घाटी से होकर बनती है, क्योंकि ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला सवाल देखें, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो है तमिलनाडु में होता है और जनवरी फरवरी में होता है,
अगला सवाल देखें, एक तरफ क्षेत्र है साथियों, एक तरफ जो है खनिज है, तो देखते हैं बादाम से साथियों, तो बादाम क्षेत्र से जो है आपको क्या मिलता है, तो ये मिलता है लौह अयस्क। उसके बाद कोदर्मा से साथियों अभ्रक मिलता है, और मौसा बानी से तांबा मिलता है, और रवा से साथियों खनिज तेल मिलता है। एक बार और देख लेते हैं, बादाम के पहाड़ी से लौह अयस्क, कोदर्मा झारखंड में जो है अभ्रक, और मौसा बानी में तांबा, और रवा में खनिज तेल अर्थात पेट्रोलियम। अगले सवालों को देखें, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है साथियों शुक्र ग्रह को, पृथ्वी की भगनी मौसी, भोर का तारा और सुबह का तारा, शाम का तारा, सब शुक्र को ही कहा जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है, तो ये साथियों गंगा नदी का उपनदी जो है यह है उत्तरी कोयल नदी। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो यह है सऊदी अरब। अगला सवाल देखें, लोकसभा में केंद्रशासित प्रदेशों का जो है प्रदेश में कथा निम्न में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व तो कितना हो सकता है, तो लोकसभा में साथियों केंद्रशासित क्षेत्रों से जो है कितना सर्वाधिक प्रतिनिधित्व तो हो सकता है, तो 20 हो सकता है अधिक से अधिक। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, तो ये किस प्रकार के बहुमत द्वारा, तो साथियों संशोधन कर सकती है भाषा में जो है संसद, तो ये 2/3 बहुमत के द्वारा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है, तो यह साथियों राज्य का विधान मंडल। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो यह साथियों 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और ये था साथियों ये संबंधित जो है पंचायती राज से हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष थे P.S. संगमा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, तो साथियों पी वी एन राव समिति ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है, जबकि LN सिंधवी समिति 1986 में आया था और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसी के अनुसार दिया गया था। अशोक मेहता समिति 1977 में आया था और ये द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया, और बलवंत राय मेहता समिति 1957 को आया जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। अगला सवाल देखें, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया, तो 18 वर्ष की आयु के आधार पर जो है चुनाव पर जो है किया जाना, मताधिकार किया जाना, मतदान किया जाना 1989 में किया गया, क्योंकि इसी साल जो है यह व्यवस्था किया गया था। 61वां संविधान संशोधन हुआ था साथियों 1989 में, जो कि 21 वर्ष वाले को जो है मतदान करने की आयु को निर्धारित किया गया, वयस्क माना गया। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति से को विवेचित करती है, तो प्रधानमंत्री और मंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किससे संबंधित और उसे पदच्युत के बारे में जो है जानकारी या फिर इसके बारे में जो है साथियों व्याख्या अनुच्छेद 75 में, आर्टिकल 75 अर्थात अनुच्छेद 75 में किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो साथियों संवैधानिक उपचार जो है अनुच्छेद 32 में है, जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, जिनमें 5ों प्रकार के रिट में कहता है किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है, तो अधिकार परीक्षा को जो है साथियों पोस्टमार्टम कहा जाता है। अगले सवालों को देखें, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है, तो साथियों केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए बड़े देशों का आदर्श ये सही नहीं है, जबकि त्वरित निर्णय, लचीलापन और कानून की एक रूपता है। अगला सवाल है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष, लोकसभा विधानसभा 25 वर्ष और राज्यसभा और विधान परिषद 30 वर्ष। उसके बाद साथियों ग्राम पंचायतों का सदस्य बनने के लिए पंचायती राज के लिए 18 वर्ष, मतदान के लिए 21 वर्ष होगा पंचायती राज के सदस्य बनने के लिए, और मतदान करने के लिए 18 वर्ष, और साथियों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। अगला सवाल देखें,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा साथियों 65 वर्ष निर्धारित किया गया है या फिर 6 वर्ष, या तो उसका 6 वर्ष कार्यकाल हो जाए या फिर उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाए। अगला सवाल देखें, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल व केवल है साथियों समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कहता है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो यह 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसमें संविधान में साथियों समाजवादी पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। अगला सवाल देखें, किस अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो साथियों भाग 18 के माध्यम से तीन प्रकार के साथियों आपातकाल का उपबंध किया गया है भारत में, जो कि एक राष्ट्रीय आपातकाल है और एक राष्ट्रपति शासन है और एक वित्तीय आपात है। तो राष्ट्रीय आपात का जो है वर्णन अनुच्छेद 352 में किया गया है और राष्ट्रपति शासन 356 में है, उसके बाद साथियों वित्तीय आपात 360 में है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है केवल व केवल साथियों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय लागू करेगा अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय लागू करेगा अनुच्छेद 226 के तहत। अगले सवालों को देखें, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है, तो साथियों कहता है विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंध में जो सुझाव देगा तो ये देगा साथियों वित्त आयोग, भारत का जो है वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। अगला सवाल देखें, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, ये मिला था 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के माध्यम से, जिसमें 29 विषय पंचायती राज को कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित की है, तो साथियों सारे जो है शक्ति का स्रोत यानी केंद्रीय सरकार की अधिशासी यानी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है और ये अनुच्छेद 53 के माध्यम में कहा गया है, 53A में। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में कहता है मंत्रिमंडल शब्द का जो है एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो हुआ है साथियों अनुच्छेद 352 में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना चलाया गया था, तो स्वावलंबन योजना साथियों 2010 ईस्वी में चलाया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण संबंधी संस्तुति प्रस्तुत करता है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं करता है, तो यह है साथियों नाबार्ड, जो कि ये एग्रीकल्चर से संबंधित है साथियों ग्रामीण विकास के लिए, जो कि व्यापारिक बैंक सहकारिता बैंक और RRB जो है ये संबंधित है स्वयं सहायता समूह से। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापन विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो साथियों ग्रामीण उद्योग जो है ये जो है ग्रामीण उद्योग ये त्वरित अवस्थापन विकास कोष से अंतर्गत नहीं है, जबकि ग्रामीण जलापूर्ति है और ग्रामीण सड़कें हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण है। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, तो ये हुआ था साथियों 2008 ईस्वी में। अगला सवाल, गिल्ट एजेंट, तो साथियों कहता है विपणन, ये गिल्ट और एजेंट जो है किससे संबंधित है, तो ये सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है गिल्ट एजेंट। अगला सवाल देखें, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो ये था साथियों एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला सवाल देखें, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया, तो साथियों जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो है मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया। अगले सवालों को देखें, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है,
तो साथियों वैश्वीकरण में जो है सम्मिलित नहीं है, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश सम्मिलित नहीं है, जबकि आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंस का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मूलन संबंधित है। अगला सवाल देखें, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू की गई, तो साथियों ये हैं राजा जे चलैया समिति के सिफारिश पर जो है ये सेवा कर शुरू की गई थी। अगला सवाल देखें, भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s में अपनाए गए महान लोविस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था, तो ये उद्देश्य था साथियों भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे, अर्थात द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से साथियों 1961 तक जो है चला था, और ये पीसी महान लोविस पर क्या प्लान पर आधारित था, और ये साथियों भारी उद्योग को इसमें जो है विशेषता दिया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था, तो भारत का साथियों व्यापार अनुकूलन जो है भारत के अनुकूल था, तो ये था 1972-73 और 1976-77 के वर्ष में। अगला सवाल देखें, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, तो साथियों तीन बार जो है भारत में योजना अवकाश हुआ था, तो पहली बार 1966 से 1969 हुआ था, फिर 1978 से साथियों 1980 हुआ था, फिर तीसरी बार हुआ था 1990 से 92 के बीच। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी में जो है 66 से 69 मौजूद है। अगले सवालों को देखें, मानस ने 42,000 रुपये निवेश करके अपना व्यवसाय आरंभ किया, और 7 महीने के बाद जो है 50,000 रुपयों की पूंजी के साथ कमल भी मानस के व्यवसाय में शामिल हो गया, तो वर्ष के अंत में जो है 3,160 रुपये का लाभ हुआ, तो इस लाभ में जो है कमल का हिस्सा कितना था, तो साथियों इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ये साथियों व्यापार जो है एक वर्ष चला था, तो 300 कॉमन है, तो एक वर्ष चला था, तो 42 × 12 करेंगे क्योंकि ये 12 महीना रहा था, फिर साथियों इधर जो है अनुपात है मेरा 50 × 7 महीने के बाद आया, तो 5 महीना ये रहा था, तो 50 × 5 हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे काटिएगा तो 25 × 50 होगा, फिर साथियों 6 × 12 होगा, तो 42 × 6 करेंगे तो 6 × 12 और 6×6 = 24 = 25, 252 और प्लस होगा साथियों 25 × 5 करेंगे तो 125, तो 252 × 125 करेंगे तो हो जाएगा साथियों 201 300 और 52 × 25 करेंगे तो 200 377, तो 377 जो है साथियों यहाँ बटे में होगा 377, और यहाँ पर साथियों अगर 8 से गुना करेंगे 377 × 8 करेंगे यहाँ पर, तो 8 से कट जाएगा तो हो जाएगा 30,160, तो 80 बार में जो है कट जाएगा ये, तो हो जाएगा 80 का साथियों कहता है कमल का हिस्सा, तो कमल का अनुपात है साथियों 125, तो 125 × 80 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका आंसर 10,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, 80 × 125 कीजिएगा तो 10,000 आ जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है एक कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, और जबकि बी उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर देता है, यदि दोनों एक साथ कार्य को प्रारंभ करें तो संभावना है कि तीसरे दिन कार्य समाप्त हो जाएगी, तो साथियों संभावना है कि तीसरे दिन कार्य समाप्त हो जाएगी, तो देखते हैं, तो ये साथियों दोनों का 6 और 9 को एलसीएम लेते हैं, तो हो जाएगा साथियों मेरा 18 गो कार्य है, और ये एक दिन में 3 कम करेगा क्योंकि 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 5 जो है 3 और ये 2 करता है, एक दिन में जो है ये करता है 3 कम और बी करता है साथियों 2 कम, तो कहता है तीसरे दिन, तो 3 दिन अगर काम करेगा तो एक दिन दोनों मिला करेगा 5, तो 5 × 3 = 15, तो 15 काम जो है मेरा हो गया है, बचा है साथियों 3 काम, तो 3/18 मेरा बचा हुआ है, तो 1/6 बचा हुआ है, अर्थात संभावना है कि काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से संभावना में साथियों 1/6 तो है बचा हुआ है, समाप्त कितना होगा ये दिया नहीं है, तो इसलिए होगा 0 क्योंकि संभावना नहीं है कि वो काम समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और
8 मीटर ऊंचा है, तो इनमें कतार रखे जाने वाले अधिकतम लंबाई के बांस की लंबाई कितनी होगी? तो साथियों दोनों का जो है, दोनों को ये तीनों का जो है LBH का स्क्वायर कर लीजिएगा प्लस में और रूट अंडर कर लीजिएगा, तो बड़े 144 प्लस 981 प्लस 64 ये तीनों का साथियों जो है रूट अंडर में रहेगा, यानी कि हमको विकर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है, तो ये अंदर रहेगा साथियों, तो हो जाएगा पूरे जोड़ने के बाद 289 जो कि 17 का जो साथियों वर्ग है, 289 17 289 का वर्गमूल होगा 17। अगला सवाल देखिए साथियों, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है और 50% छूट देने के बाद जो है 50% का लाभ होगा, तो इसके लिए कहता है बाज़ार मूल्य कितना रखेगा, यानी बाज़ार का मूल्य कितना रखेगा कि वो 100 में खरीदा है और 50% यानी कि आधा छूट भी देगा तो उसको 50% का साथियों लाभ होगा। तो देखते हैं, तो इसको इस प्रकार से बनाते हैं, 100 रुपया जो मेरा क्रय मूल्य दिया गया है, उसके बाद साथियों कहता है 50% लेस देना है, तो 100/50 करेंगे, उसके बाद 50% लाभ हो, बाद में लाभ है तो लाभ कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद 100-100 कट गया, 0-0 कट गया, 5 + 3 = 15 तीन से कट गया, तो आंसर मेरा आ गया 100 × 3 = 300 ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें, 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर जो है 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो खंभे के सिरे पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा? तो दूरी जो है मेरा 80 मीटर जो है ऊंचा है, तो साथियों 5 मीटर चढ़ता है, अंतिम में जो है वो विषम होगा, क्योंकि अंतिम में जो चढ़ता है एक बार में चढ़ ही जाता है, क्योंकि दूसरे बार चढ़ेगा तब ना फिसलेगा, तो अंतिम बार चढ़ जाता है, तो 5 मीटर घटा लेते हैं तो आएगा मेरा 75। अगर 75 में साथियों अगर 2 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में और दूसरी बार जो है दूसरे मिनट में 2 मीटर गिर जाता है, तो 2 मिनट में मेरा काम कितना होगा? 3 होगा, 2 मिनट में 3 काम। तो साथियों इसी प्रकार से यहाँ पर जो है 2 मिनट में 3 काम हुआ, तो 25 मिनट में साथियों 75 काम होगा, 3 से ये जो है हम 3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों 25 मिनट, और ये जो है ये 2 मिनट में जो है 3 काम हो रहा है, तो 25 × 50 मिनट में साथियों मेरा 75 काम होगा और 51वां मिनट में जो है 50 यानी कि 5 काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिसलने का डर नहीं है, तो 75 + 5 जोड़ेंगे यानी 50 मिनट हो गया प्लस 1 मिनट अंतिम में लास्ट मिनट में वो चढ़ जाएगा। अगले सवालों को देखें, और अगला सवाल साथियों ये कहता है कि इसको आरोही क्रम में सजोने के लिए आप जो है यहाँ पर डिवाइड दे सकते हैं या LCM के द्वारा भी बना सकते हैं, तो इनका लगभग आएगा 50 और यहाँ पर आएगा 2/5 का साथियों, तो लगभग आएगा 40, उसके बाद आएगा साथियों 3/ अगर 8 को देंगे 3.7 हो जाएगा साथियों 7 लगभग, और ये हो जाएगा साथियों 5.13×65 और 5×39=39 5/3, तो इस प्रकार से आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े में, तो 40 आएगा मेरा पहले 2/5 ये साथियों, पहले आएगा मेरा 3/ ये जो है 3×7=37 अर्थात 3/8, तो ऑप्शन नंबर बी में 3/8 पहले है, उसके बाद 2/5 1/2 और फिर 7/13, इस प्रकार से बी ऑप्शन होगा। अगला सवाल देखें, कहता है उस वस्तु की कीमत क्या होगी, क्या है जिसे 24 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसके लागत मूल्य के तुल्य हो? साथियों अगर हम ऑप्शन सुताते हैं, अगर 20 रुपया की वस्तु है और इस पर 20 रुपया कहता है बेचने पर जो है उस वस्तु की कीमत क्या होगी जिसे 24 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। अगर 20 रुपया का वस्तु है, 20 रुपया का वस्तु है और 20% लाभ करेंगे, तो साथियों आ जाएगा मेरा 24 रुपया पुरना चाहिए, तो 20 × 120/100 तो 0 0 ये 0 ये 0 तो 12 × 24 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 24 में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन मेरा दिया क्या होगा 20 रुपये वो होगा लागत मूल्य क्रय मूल्य, और 20% लाभ पर बेचेंगे इसको 20 रुपये को, तो हो जाएगा 24 रुपया। अगला सवाल देखें, ABCD आरोही क्रम में है और बी जो है डी जो है साथियों बी और ई के बीच में है, डी जो है बी और ई के बीच में है, अब बीच में हम कर दिए, अब ऊपर बी है या ऊपर ई है इसका निश्चित यहाँ पर नहीं किया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन से ना तो आरोही और ना ही अवरोही हैं? तो साथियों
सी के बारे में भी डिटेल्स नहीं दिया गया है और बी और ई के बारे में भी हमें पता नहीं चल रहा है कौन ऊपर है कौन नीचे है, लेकिन डी जो है इसके बीच में है, ये केवल यही जानकारी है। तो ई बी सी यानी इनके तीनों के बारे में जो हमको जानकारी अपर्याप्त है, क्योंकि बी ऊपर है या नीचे है, फिर ई ऊपर है या नीचे है, और सी के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया। तो ई बी सी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित पासे की जो है पासे दिया गया है और करता है इसके रिक्त स्थानों पर जो है पूर्ति करना है। तो साथियों टी यू भी डब्ल्यू एक्स यहाँ पर जो है साथियों दो बढ़ रहा है, फिर उसी प्रकार से देखते हैं एम एन ओ पी, एम एन ओ पी यहाँ पर तीन बढ़ा है इसमें और इसमें दो बढ़ रहा है, तो इसमें चार बढ़ेगा, ए और चार बढ़ेंगे तो पाँच नंबर में ई है, तो इसमें पाँच बढ़ ये जो है इसमें जो है साथियों चार बढ़ रहा है तो इसमें पाँच बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो है पाँच बढ़ेंगे तो किस से ई, यहाँ साथियों अगर ई रहेगा तो उससे चलेंगे तो ई एफ जी एच आई जे, तो ई है ये ई है साथियों, ई से अगर हम पाँच बढ़ेंगे तो मेरा आ जाएगा जे, यानी कि पाँच और जे भी जे है दस नंबर का अक्षर ए बी सी डी में और ये है ई है पाँच नंबर का, तो ई से पाँच बढ़ेंगे तो साथियों जे आएगा, फिर जे से पाँच बढ़ेंगे तो ओ आ जाएगा, यहाँ पर ओ यहाँ पर जो है ई, पाँच पाँच का जो है बढ़ोतरी हो रहा है। अगला सवाल देखें, पांच आदमियों का औसत अंशदान किसी फंड के लिए साथियों 35 रुपया है, छठा आदमी उनके साथ जुड़ जाता है और वह छहों आदमियों के परिणामी औसत से 35 रुपया अधिक देता है, तो सभी छहों आदमियों का कुल अंशदान क्या होगा। तो साथियों इनको सॉल्व करने के लिए 35 दिया हुआ है पांच का, तो 35 गुना पाँच करते हैं तो होगा 25 अब पहुँच दिया 15 2 17 175 प्लस एक्स जोड़ेंगे बटे करेंगे साथियों कुल 6 है और प्लस कहता है कि 35 अधिक होगा या यहाँ पर दे देंगे 35 अधिक, अगर इनको सॉल्व करते हैं 175 प्लस एक्स बटे 6 जोड़ 35 तो साथियों आपका राइट आंसर आ जाएगा और वो होगा साथियों शायद 252 होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में होगा। उनको सॉल्व करने के बाद 175 प्लस एक्स बाय 6 यहाँ पर होगा साथियों प्लस जो है 35 होगा क्योंकि 35 अधिक जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, इनको सॉल्व करने पर 252 आ जाएगा। तो साथियों ये था आज का मुख्य प्रैक्टिस सेट का विश्लेषण, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।